इस वीडियो में हम बात करेंगे डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट को कंज्यूम करने के बारे में जिस पर प्लस एफ का लोगो मौजूद हो। नमक को जब आयोडीन के साथ फोर्टिफाई किया जाता है तो इसे हम आयोडाइज सॉल्ट कहते हैं, लेकिन जब हम नमक को आयोडीन और आयरन दोनों के साथ फोर्टिफाई करते हैं तो इसे हम डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट या फिर DFS के नाम से भी जानते हैं। आयोडीन की कमी से फिजिकल ग्रोथ धीरे हो जाती है और कॉग्निटिव एबिलिटीज भी कमज़ोर हो जाती हैं। DFS यानी कि डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट इस कमी को पूरा करता है। जब भी आप सॉल्ट खरीदें तो उस पर प्लस एफ का लोगो ज़रूर देखें। ये प्लस एफ का लोगो बताता है कि इस नमक में फोर्टिफिकेशन किया गया है। DFS या फिर डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट को ठीक उसी तरीके से स्टोर करना चाहिए जिस तरह से आप रेगुलर नमक या फिर आयोडाइज नमक को स्टोर करते हैं, यानी कि एक बंद डब्बे में और डायरेक्ट सनलाइट से दूर। DFS या फिर डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट को आप रेगुलर नमक जैसे ही खाना पकाते वक्त यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने बात करी डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट के बारे में जिस पर प्लस एफ का लोगो मौजूद हो। आइए एक बार फिर से देखते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। नमक को जब आयोडीन के साथ फोर्टिफाई किया जाता है तो इसे हम आयोडाइज नमक कहते हैं। जब नमक को आयरन और आयोडीन दोनों के साथ फोर्टिफाई किया जाता है तो इसे हम डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट या फिर DFS कहते हैं। आयोडीन की कमी से फिजिकल ग्रोथ धीरे हो जाती है और कॉग्निटिव एबिलिटीज भी कमज़ोर हो जाती हैं। DFS यानी कि डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट इस कमी को पूरा करता है। जब भी आप सॉल्ट खरीदें तो उस पर प्लस एफ का लोगो देखना ना भूलें। DFS को उसी तरह से स्टोर करना चाहिए जिस तरह से आयोडाइज नमक या रेगुलर नमक को स्टोर करते हैं। डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट को रेगुलर नमक जैसे ही आप खाना पकाते वक्त यूज़ कर सकते हैं।